48 घंटों में मुंब्रा पुलिस ने पकड़ा मोबाइल स्नैचरों को। 3 दिसंबर को धारदार हथियार से हमला कर मित्तल मैदान के गेट के सामने छीना था मोबाइल। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर शुक्रवार के दिन कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित रहने वाले मोहम्मद आजम खान नमाज के लिए जा रहे थे और उसी दौरान मित्तल मैदान के गेट के सामने दो युवकों ने, जिसमें से एक बालिग युवक है और एक नाबालिग युवक है, इन दोनों ने धारदार हथियार से हमला कर मोहम्मद आजम खान का रेडमी कंपनी का मोबाइल छीन लिया था। मोहम्मद आजम खान के हाथ पर वार भी किए गए थे और उस वक्त मोहम्मद आजम खान ने इस वारदात की क्या जानकारी दी थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद महज 48 घंटों में मुंब्रा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच की टीम, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष उगल मुगले, इस टीम के हवलदार दीपक जाधव, कांस्टेबल तेजस परब, मयूर लोखंडे, अर्जुन जुवाटकर और इनके अन्य साथियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिसकी तस्वीरें और एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज उसमें हम आपको दिखा रहे हैं, उसके आधार पर इन अपराधियों का पता लगाया और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 18 वर्षीय कयूम शफीक शेख ये मुख्य आरोपी है, वहीं उसका दूसरा साथी 17 वर्ष का है, नाबालिग है, उसे पुलिस जुवेनाइल कोर्ट पेश करेगी और कयूम को जो है बाकायदा अरेस्ट करके अब थाने न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुंब्रा कौसा में आए दिन मोबाइल छीनने की वारदातें होती है। रिक्शा में बैठे किसी महिला के हाथ से, किसी व्यक्ति के हाथ से मोबाइल छीना जाता है, पैदल चलने वाले किसी व्यक्ति के हाथ से, एक्टिवा पर या मोटरसाइकिल पर सवार आकर वाई जंक्शन से लेकर शंकर मंदिर या फिर स्टेशन परिसर, रेती बंदर परिसर, यहां पर मोबाइल छीन लेते हैं। ऐसी कई वारदातें हो रही है, मगर इस वारदात में बाकायदा हथियार इस्तेमाल कर मोहम्मद आजम खान पर हमला किया गया और उसके बाद ये वारदात की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया था और आखिरकार डिटेक्शन ब्रांच के एपीआई संतोष उगल मुगले और उनकी टीम ने इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम आपका और क्या वारदात आपके साथ हुई है? मैं अभी थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो मेरे चाचा का फोन आता है, मैं थोड़ा रुक गया और हम लोग बात करने लगे थोड़ी देर के अंदर। पीछे से तीन लड़के आते हैं, तीन लड़के आके बोलते हैं तेरी जेब में क्या क्या सामान है सब निकाल, मैं तो तुमको मार देंगे। मैंने बोला मेरे पास मोबाइल है, समझे, मोबाइल बोले ला हाथ में ला और देखा और छीन के मेरे गले तक मार रहा था वो, लेकिन अपनी मुंडी पीछे कर रहा था, ऐसा किया था मेरे को। मैंने ऐसे अपना, आप क्या उन लड़कों को पहचानते थे? नहीं, कभी देखा नहीं मैंने उन लोगों को। अच्छा, आपका क्या सामान गया है इसमें? मेरा मोबाइल गया है और बस मेरा मोबाइल ही गया। मोबाइल छीना आपका? कितने का मोबाइल था? मोबाइल तो 20,000 वाला। कौन सी कंपनी का मोबाइल था? रेडमी। आपने शिकायत लिखाई है? आपने शिकायत लिखाई मुंब्रा पुलिस स्टेशन में? वही आया हूँ फर्स्ट, मतलब अभी मेरी घटना हो गई है, मैं नमाज भी नहीं पढ़ पाया, अच्छे काम। अच्छा, आप शिकायत लिखाई है? पहले आप कंप्लेंट करवाइए। पहले आप रहते कहाँ पर? मैं तो अमृत नगर में रहता हूँ। बिल्डिंग का नाम? अमन कॉम्प्लेक्स बीविंग, अमन कॉम्प्लेक्स बीविंग 105। मेरे से मार के मोबाइल छीना और मेरे साथ में मेरे से और भी मेरे पैसों से भी निकालने वाले थे, लेकिन मैं पर्स इधर था तो मैं नहीं निकाल पाया, मैंने ऐसा हाथ दबा लिया।